जय गुरुदेव। नवरात्रि के पंचम दिवस पर माँ भगवती स्कंद माता की पूजा अर्चना और वंदना होती है। भगवान शिव की अर्धांगिनी जिन्हें पार्वती कहते हैं और जो कार्तिकेय और गणेश जी की माँ है, तो कार्तिकेय की माँ के रूप में स्कंद की माँ के रूप में उनका नाम स्कंद माता है। आज ममत्व का दिन है, माँ का दिन दिवस है। ममत्व, ममता और मातृत्व की वत्सल छाया में रहकर जीव अत्यंत आह्लादित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई माँ होती है। जीव अपने माँ से उत्पन्न होता है और जब माँ से उत्पन्न होता है तो करुणा करने वाली, दया रखने वाली, ममता बरसाने वाली वह माँ सर्वविध संतति का अभ्युदय चाहती हैं, कल्याण चाहती हैं, मंगल करती हैं। पग पग पर यह नवरात्रि की विशेषता है कि माँ भगवती का आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी वत्सल चितवन में हम निरंतर आनंद, उत्सव और उल्लास में हैं। नवरात्रि की यह विशेषता पंचम दिवस में माँ भगवती स्कंद माता का दिवस अत्यंत महनीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती की चार भुजाएं हैं। बाईं भुजा में वे वर मुद्रा रखती हैं ऊपर, और नीचे के हाथ में कमल पुष्प धारण किया हुआ है, तथा दाएं हाथ में उन्होंने स्कंद को पकड़ा हुआ है, स्कंद को धारण किया हुआ है, तथा निचले हाथ में उन्होंने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इस तरह माँ भगवती कृपा की मूर्ति हैं। इनका वास पहाड़ों पर बताया गया है। अगर भगवान पर्वतीय स्थलों पर, देव तीर्थों पर तीर्थ अपनी भगवत्ता और सिद्धि के लिए तीर्थ स्थानों का चयन हमेशा पर्वतों की ऊंचाई पर इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक व्यापकता, एक पूर्ण दृष्टि और सभी पर आशीष की वर्षा हो सके, वह स्थान निश्चय ही एकांतिक होता है, महत्वपूर्ण होता है। और माँ तो पहाड़ों वाली है, वे पहाड़ों पर रहकर सभी पर, जनमानस पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करती रहती हैं। माँ भगवती स्कंद माता का स्थान इसीलिए पर्वतों पर माना जाता है। वे श्वेत वर्ण की हैं। शुभ्र वर्ण शुक्ल पक्ष का प्रतीक है, अर्थात सात रंग जब सफेद रंग में ही अनुस्यूत हैं, और यह श्वेत वर्ण शांति का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है, आत्मीयता का प्रतीक है। और भगवान भुवन भास्कर सूर्य श्वेत वर्ण के प्रतीत होते हैं और उनकी रश्मियों में सातों रंग रहते हैं। उसी तरह माँ का एक शाश्वत वर्ण श्वेत वस्त्र धारिणी माँ भगवती स्कंद माता अपने शिशुओं पर प्रेम वात्सल्य की वर्षा करती रहती हैं, तथा विविध पक्षों में संतति को संभालती रहती हैं। वे मोक्षदात्री हैं। मोहस्य त्यागः मोक्षः। इस संसार में भव बंधनों में जकड़ा हुआ जीव निरंतर यत्र तत्र व्याकुल रहता है, और उसकी व्याकुलता का समाहार जहां होता है, जहां उसके चित्त की शांति होती है, वह स्थान माँ के श्री चरण कमल है। मोक्ष प्रदान करने वाली है माँ स्कंद माता। कोई भी कहीं आकुल हो, व्याकुल हो, थका हारा हो, अवसाद ग्रस्त हो, तनाव में हो, और किसी कारण उस पर कोई प्रतिकूलता का आरोप लगा हो, उन सभी का
मर्दन करके स्नेह का संवर्धन करने वाली अगर कोई माँ है तो वो स्कंद माता है। भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी का वाहन मोर था और गणेश जी का वाहन मूषक राज है। दोनों में आपस में बनती नहीं थी। मोर गति का प्रतीक है और मूषक विश्रांति और धीरे धीरे चलने का स्वभाव है। कार्तिकेय जैसे क्षण भर में ही विश्व का परिभ्रमण कर लेते थे, गणेश जी अपने माता पिता को ही ईश्वर मानकर उनकी परिक्रमा करते थे। बात यह हुई कि विवाह किसका हो, पहले किसका हो, कौन देवताओं में पूज्य होगा। सचमुच में कहा यह गया कि जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य हो जाएगा, उसका विवाह पहले होगा और कार्तिकेय मोर पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए। वहीं गणेश जी ने मूषक पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और वात्सल्य से भरी हुई मां भगवती पार्वती ने उन्हें गोद पर बिठा लिया। जब स्कंद लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहां हैं और सभी लोग गणेश जी की बात को मान्यता दे रहे हैं कि हाँ माता पिता में ही ब्रह्मांड है, क्योंकि शब्दों के अर्थ के पीछे भाव निबद्ध होता है। ब्रह्मांड के परिक्रमा की बात थी, स्कंद ने इस भौतिकी वैखरी भाषा को ही सत्य मानकर निकली हुई बात को ही पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। स्कंद खिन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और दक्षिण के कैलाश की तलाश में वे दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला की नितांत ऊंचाई पर जाकर के विराजित हो गए। मां भगवती पार्वती और शिव जी आज भी अमावस्या और पूर्णिमा पर कार्तिकेय जी से वहां मिलने जाते हैं। वो स्कंद माता पार्वती ऐश्वर्य का मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में, अभ्युदय करने वाली मां के रूप में तथा अपनी संतति पर वात्सल्य लुटाने वाली मां के रूप में जानी जाती हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, पर्वतों पर विराजमान हैं और भगवती वर मुद्रा से आशीर्वाद देती रहती हैं। उनके हाथ में कमल पुष्प है जिससे वो सुगंधि का, प्रेम का, आत्मीयता का संदेश देती रहती हैं। स्कंद को भी साथ में लिए हुए हैं, इसका अर्थ है कि वे पुत्र मोह, पुत्र के प्रति प्रीति तथा आत्मीयता का स्वर सम्मिलित करने वाली हैं। इस तरह मां भगवती स्कंद माता मोक्ष प्रदान करती हैं। वे मानो सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री हो, मां भगवती कृपा करने वाली हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मां भगवती यश प्रदान करने वाली हैं, अपने हाथों से संतति का पालन पोषण और भरण करने वाली हैं। किसी के व्यापार में अगर वृद्धि न हो रही हो तो वो मां भगवती स्कंद माता की आराधना करेगा तो निश्चय ही उसके उद्यम में, व्यापार में, व्यवसाय में नित्य उन्नति होने लगेगी। अगर विद्यार्थी को अध्ययन में बाधा हो रही हो तो वो मां भगवती स्कंद माता को समर्पित हो जाए। मां अपने उस शिशु के अंतःकरण में बुद्धि का विकास कर देंगी, विद्या, विचार, विवेक और विनय का समेकित संगठित स्वरूप उसके अंदर उदित हो जाएगा। ये मां भगवती स्कंद माता का स्वभाव है, वे करुणा परायण हैं। ऐसी दिव्य अमृतमयी, आनंदमयी, उल्लास प्रदान करने वाली और हम सब के अंतःकरण में आह्लाद उत्पन्न कर देने वाली मां भगवती स्कंद माता संपूर्ण ब्रह्मांड में
उत्सव और प्रसन्नता का वातावरण कर दें, संपूर्ण विश्व में शांति हो, लोगों के अंतःकरण में आत्मीयता, प्रीति और सौमनस्यता का अंकुरण हो, उसका विस्तार हो, प्रीति ही पल्लवित और पुष्पित हो। चतुर्दिक यदि अंतःकरण आनंद में निमग्न रहता है तब वह अपना सर्वोत्तम दे पाता है, उसकी प्रसन्नता संपूर्ण विश्व में प्रकृति में सहकार उत्पन्न कर देती है और एक सात्विक वृत्ति संपूर्ण जगत को सत्वमय बना देती है। इसलिए सत्व का विस्तार हो, सहजता हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, मां भगवती की अर्चना, वंदना और पूजन हो। प्रातःकाल बहुत पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके हम नित्य नैमित्तिक कर्म करें, स्नान ध्यान पूजन करें, उसके बाद भगवती का अनुष्ठान करें और मातृ रूप में उनका स्मरण करें। ये नवरात्रि के 9 दिन निरंतर साधना, अर्चना, वंदना और पूजन के होते हैं। कोई भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से मां भगवती का स्मरण करता है तो उस पर कृपा बरसने लगती है। आपको अर्थ की आवश्यकता हो तो आप मां से निसंकोच मांग सकते हैं। यश की प्राप्ति चाहते हैं तो आप उसे अपनी मां से मांग सकते हैं। मां और पुत्र का एक ऐसा संबंध है कि जहां आप निश्चिंत होकर अपने अंतःकरण का संवाद अपनी मां से कह दें, मां निश्चय ही आपके सात्विक विचारों को वृद्धि प्रदान करेंगी, अपना संवल प्रदान करेंगी। आप सभी के जीवन में शुभता हो, शुभ संकल्प उदित हो, आप निरंतर ध्यानस्थ होकर भावाती ध्यान का अभ्यास करते हुए शुद्ध चेतना युक्त होकर अपने अंतःकरण को निर्मल बनाइए, भगवदीय बनाइए। मां भगवती स्कंद माता आपके जीवन में शुभ संकल्प जागृत करें। आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।